हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में जो बेसिकली हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो डिस्कशन जो हमारा था वो इंडिटरमिनेंसी के ऊपर था, राइट। इंडिटरमिनेंसी में फर्स्ट मैंने आपको बताया कि जब हम इंडिटरमिनेंसी की बात करते हैं तो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक हो गया था आपका स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी और दूसरा आपका हो गया था किनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी, राइट। अब मैंने उसके बाद कहा कि जब स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी की हम बात करते हैं, स्टैटिक के अंदर भी दो पार्ट है, और वो क्या है, एक होता है आपका एक्सटर्नली इंडिटरमिनेंसी और एक होता है इंटरनली इंडिटरमिनेंसी, जिसमें स्टैटिक को हम रिप्रेजेंट करते हैं डीएस से और एक्सटर्नली इंडिटरमिनेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डीएसई से, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि एक्सटर्नली इंडिटरमिनेंसी क्या होती है। वो टोटली नंबर ऑफ सपोर्ट कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती है और उसको कैसे निकाला जा सकता है वो हमने लास्ट लेक्चर में दो हमने एग्जाम्पल्स लिए थे और उसके ऊपर हमने उसको कैलकुलेट भी किया था और हम आगे भी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर सेकेंड आपकी जो इसके अंदर ही होती है वो इंटरनली इंडिटरमिनेंसी होती है, जिसको हम डीएसआई से रिप्रेजेंट करते हैं। आज बेसिकली हम उसके बारे में बात करने वाले। तो सबसे पहले अब मैं यहाँ जो बात शुरू करूंगा वो मैं डीएसआई की बात जो शुरू करूंगा, इसमें बेसिकली क्या होता है, स्ट्रक्चर फॉर विच द इंटरनली फोर्सेस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड यूजिंग ओनली इक्विलिब्रियम। इसका मतलब होता है जो इंटरनली फोर्सेस होते हैं, अगर कोई हमारे पास स्ट्रक्चर है उसके जो इंटरनली फोर्सेस होते हैं हम उसको इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को यूज करके सॉल्व नहीं कर सकते। और ये बेसिकली इंटरनली फोर्सेस होते क्या है, इंटरनली फोर्सेस मतलब होता है एक्सियल फोर्स जो एक्सिस के अलोंग लगता है, दूसरा आपका होता है शियर फोर्स, तीसरा आपका होता है बाइंडिंग मूवमेंट सेक्शन को जो बाइंड करता है, चौथा आपका होता है ट्विस्टिंग मूवमेंट जो ट्विस्ट करके निकाला जाता है। तो इंटरनली फोर्सेस का मतलब कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के किसी मेंबर पे इंटरनली फोर्सेस की अगर मैं बात करूं कि उस पर शेयर फोर्स कितना आ रहा है, उस पर बाइंडिंग मूवमेंट कितना आ रहा है, उस पर ट्विस्टिंग मूवमेंट कितना आ रहा है, या मैं एक्सियल फोर्स की बात कर रहा हूं, तो ये जो है वो सारे के सारे इंटरनल फोर्सेस कहलाते हैं। तो इन इंटरनल फोर्सेस को अगर हम इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को यूज करके सॉल्व नहीं कर सकते वो बेसिकली क्या होती है, इंटरनल इंडिटरमिनेंसी होती है, जिसको डीएसआई बोलते हैं। और बेसिकली ये किस पे डिपेंड करती है, जैसे डीएसई के लिए तो मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया कि ये सपोर्ट कंडीशन पे डिपेंड करती है, मतलब सिर्फ सपोर्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, डीएसई निकाल लोगे आप। इसी तरीके से डीएसआई अगर आपको निकालना है तो इसको निकालने के लिए आपको स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री पे ये डिपेंड करती है। स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री का मतलब कि अगर स्ट्रक्चर में आपका ट्रस है, स्ट्रक्चर अगर आपका ट्रस है तो उसके लिए अलग तरीके से निकलेगा। अब ट्रस में भी आपकी कंडीशन है कि अगर टूटी ट्रस है तो अलग निकलेगा और अगर इसमें ये 3D ट्रस है तो अलग निकलेगा। 2D मतलब प्लेन स्ट्रक्चर की अगर जो बात करते हैं, जो नॉर्मली मैं बोर्ड पे ड्रॉ करता हूँ वो सारे 2D स्ट्रक्चर है, और जो हम स्पेस में लेके बात करते हैं कि मैं हाथ में ले लूं, मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं जिसमें जेड एक्सिस भी मेरा खुल जाता है, उसकी बात करते हैं वो 3D स्ट्रक्चर है। तो यहां पे अगर आप जब मैं डीएसआई की बात करूंगा तो डीएसआई में मेरे को याद रखना पड़ेगा कि अगर मेरा ट्रस है तो डीएसआई निकालने का तरीका कुछ और होगा, अब उसमें 2D है तो 2D के लिए भी फॉर्मूला कुछ और होगा, और अगर वो 3D है तो 3D के लिए भी फॉर्मूला कुछ और होगा। और इसी तरीके से फिर सेकंड, अगर वो फ्रेम है या बीम है तो उस कंडीशन में भी इसका फॉर्मूला अलग होगा, उस फ्रेम बीम में भी अपन 2D की भी बात करेंगे और अपन 3D की भी बात करेंगे, राइट। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि डीएसई के लिए आपको मैंने बताया सीधे सपोर्ट कंडीशंस डिपेंड करती है, जिसमें आपको 2D स्ट्रक्चर अगर दिया है तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आप 3 माइनस कर दीजिए, अगर 3D दिया है तो फिर वो 6 हो जाती है। और अगर मैं बात करता हूं SI की, मतलब DSI की इंटरनली इंडिटरमिनेंसी की, तो इस पे ये सारी चीजों पे डिपेंड करेगा कि ट्रस है, 2D है, 3D है, या बीम है, या फ्रेम है, वो 2D है 3D। तो सबसे पहले हम लोग आगे चलते हैं और हम बात करते हैं सबसे पहले ट्रस की। तो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रस के लिए, तो हम बात करेंगे ट्रस। सबसे पहले मैं ट्रस ले रहा हूं, राइट। अब मैं ट्रस की बात करता हूं तो थोड़ा बहुत ट्रस का भी नॉलेज हमें होना चाहिए कि ट्रस बेसिकली होता क्या। तो ट्रस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अजम्पशंस हैं उसके, वो आपको याद रखने हैं। वो अजम्पशंस क्या बोलते हैं, पहला तो ये कि हुक्स लॉ को फॉलो करता है, हुक्स लॉ इस पर वैलिड होता है ट्रस्ट के ऊपर। सेकंड अजम्पशन आपको क्या रखना है कि इसके जो मेंबर्स होते हैं, जितने भी ट्रस्ट के मेंबर्स होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, परफेक्टली स्ट्रेट मेंबर्स होते हैं, ऐसे सीधे सीधे मेंबर्स होते हैं। तीसरा इसका अजम्पशन क्या है, आपको ये याद रखना है कि तीसरा अजम्पशन ये है कि जो भी ट्रस्ट के मेंबर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ओनली एक्सियल फोर्सेस को कैरी करते हैं, उनके ऊपर जो फोर्सेस आता है या उसको एनालाइज जो किया जाता है वो सिर्फ एक्सियल फोर्स के लिए किया जाता है, जो एक्सिस के अलोंग लगता है वो एक्सियल फोर्स होता है। उस पर अगर मैं बात करूं ट्रस की बात करूं तो बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, जीरो होती है। और इसी पे अगर मैं शेयर फोर्स की बात करूं उसकी भी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। मतलब जब मैं ट्रस की बात करूंगा तो सिर्फ एक्सियल फोर्सेस की बात होती है, बेंडिंग मूवमेंट ऑलवेज उस पर जीरो हो जाएगा, शेयर फोर्स ऑलवेज जीरो हो जाएगा। मतलब ये नहीं 100% जीरो होता है, कुछ होता है बट हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम उसको जो डिजाइन करते हैं वो सिर्फ एक्सियल फोर्स के लिए।
तो अब इसमें ट्रस्ट की बात हो गई। अब इस ट्रस्ट में अगर मैं 2D का एग्जांपल लेता हूं डीएसआई निकालने के लिए, 2D ट्रस्ट की मैं बात करता हूं, तो जब भी मैं 2D ट्रस्ट की बात करूंगा और मुझे डीएसआई निकालना है, तो डीएसआई निकालने का हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो फॉर्मूला क्या होता है, एम माइनस 2J माइनस 3। ये फॉर्मूला हम डीएसआई के लिए यूज करते हैं। अब 2D ट्रस्ट की बात चल रही है, उसमें अगर मुझे डीएसआई निकालनी है तो मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूं। अब ये फॉर्मूला कहां से आया, ये फॉर्मूला क्या है? तो बेसिकली डीएसआई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एम, यहां पे जो एम है, एम जो मैंने लिखा है स्मॉल एम, एम मतलब नंबर ऑफ मेंबर, मतलब कि जो ट्रस्ट हमें दिया रहेगा एम मतलब उसमें हम सारे नंबर ऑफ मेंबर को काउंट कर लेंगे। क्योंकि क्या बोला मैंने कि जो इंटरनल इंडिटरमिनेंसी होती है ये इंटरनल फोर्स के बेसिस पे होती है, इसकी ज्योमेट्री के बेसिस पे होती है। तो इंटरनली फोर्स किस में आएंगे, मेंबर पे आएंगे। कौन से इंटरनली फोर्स होते हैं, एक्सियल फोर्स हो जाता है, शियर फोर्स हो जाता है, बाइंडिंग मूवमेंट हो जाता है, ट्विस्टिंग मूवमेंट हो जाता है। तो आपको जब भी डीएसआई निकालनी है 2D ट्रस में, तो आपका फॉर्मूला होगा एम माइनस 2J माइनस 3, जिसमें एम होगा नंबर ऑफ मेंबर, कि वो ट्रस है उसमें नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं आप पहले वो काउंट कर लीजिए। उसके बाद उसमें से माइनस करिए 2J माइनस 3 को 2 इंटू जे। जे मतलब क्या होता है, जे मतलब ज्वाइंट होता है। जे का मतलब क्या होता है, ज्वाइंट होता है, कि उस ट्रस में जितने भी ज्वाइंट होंगे उन ज्वाइंट को काउंट कर लीजिए। जे मतलब जब ज्वाइंट हो गए, नंबर ऑफ ज्वाइंट हो गए, लाइक 5 ज्वाइंट है तो 5 हो जाएंगे, 6 ज्वाइंट है तो 6 हो जाएगा, 7 है तो 7 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ज्वाइंट यहाँ पे जे हो जाएंगे, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। 2 से क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक ज्वाइंट के ऊपर बेसिकली यहाँ पे जो इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम बनती है वो 2 बनती है, Fx0 और Fy0। क्योंकि अगर मैं उस पर कोई इंक्लाइंड फोर्स लगाऊंगा ट्रस पे, तो उस ज्वाइंट इंक्लाइंड फोर्स को दो पार्ट में रिजोल्व किया जाएगा, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। तो वहां पे दो कंडीशंस आपकी बनेंगी, इसलिए यहां पे 2 लिया गया। वहां पे मूवमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर माइनस 3 इसलिए किया गया क्योंकि माइनस 3 मतलब वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन इसमें से आप माइनस कर रहे हैं जो ऑलरेडी आपने एक्सटर्नल में ले ली। एक्सटर्नल का मतलब जब आप डीएसई निकाल रहे थे, डीएसई निकाल रहे थे, तो डीएसई निकालने का तरीका क्या बताया था मैंने, कि नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन माइनस इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो कितना माइनस करते थे, 3 माइनस करते थे। तो 3 ऑलरेडी आप जब डीएसई में माइनस कर चुके हो, तो वो यहां पे कम होगा कि नहीं होगा, उसको यहां कम करना पड़ेगा। क्योंकि ओवरऑल जब किसी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी में क्या होता है, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, तो बेसिकली ये एक ही स्ट्रक्चर का पार्ट है ना। तो जब अपन ने एक्सटर्नल में ऑलरेडी 3 ले लिया है, तो इसमें से उसको कम करना पड़ेगा, इसलिए अपन ने इसको माइनस 3 कर दिया। तो बेसिकली जो फॉर्मूला निकल के आया वो डीएसआई एम माइनस 2J माइनस 3 है, राइट। अब इसी तरीके से मैं आगे बात करता हूं कि अगर मेरे को 3D ट्रस दे दिया जाता है, 3D ट्रस दिया जाए, ये तो मैंने 2D के लिए फॉर्मूला बताया, बट अगर मुझे 3D दे दिएगा, तो 3D दे देगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा डीएसआई का एम माइनस 3J माइनस 6। यहां पे 6 आ जाएगा, क्यों, यहां पे m मतलब नंबर ऑफ मेंबर था, यहां पे भी m मतलब नंबर ऑफ मेंबर है, माइनस है यहां पे भी माइनस है, यहां पे 2J था क्योंकि ज्वाइंट पे हम लोग जो बात कर रहे थे वो 2D स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, तो 2FxFy था। लेकिन जब हम इसमें बात करेंगे 3J में, तो यहां पे 3 फोर्सेस आएंगे, मतलब z और x में काउंट हो जाएगा, z डायरेक्शन में काउंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। और 6 इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि 2D स्ट्रक्चर में इक्विलिब्रियम की कंडीशन कितनी लेते थे, डीएक्सी के लिए 3 लेते थे, और 3D में कितना लेते थे, 6 लेते थे, क्योंकि वो स्पेस की बात होती है, स्पेस में आपका एक्सेस भी खुला होता है, एक्स डायरेक्शन में भी होता है, वाई भी होता है, जेड भी होता है, फिर तीनों के अलावा मूवमेंट भी होता है, राइट। तो यहां पे इसलिए वो 6 हुआ क्योंकि ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन 3D में हम 6 यूज करते थे। तो यहां आप ये फॉर्मूला लगाएंगे एम माइनस 3J माइनस 6 किसमें, 3D में। और ये याद रखिएगा कि जो ट्रस होते हैं इनको कौन से जो मेंबर बोला जाता है, पिन ज्वाइंटेड मेंबर बोला जाता है। जो ट्रस होते हैं उनको कौन से मेंबर बोला जाता है, पिन ज्वाइंटेड मेंबर के नाम से भी जाना जाता है। तो जितने भी ट्रस होंगे मतलब पिन ज्वाइंटेड मेंबर होंगे, 2D के लिए आप ये फॉर्मूला लगाइए डीएसआई निकालने के लिए, और 3D के लिए आप ये फॉर्मूला लगाइए। और कैसे लगाइए मैंने बताया, अब इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं 2D का। सबसे पहले एक एग्जांपल लेंगे 2D पिन ज्वाइंटेड, ट्रस की बात कर रहे हैं, इसमें एक अपन ट्रस ले लेते हैं, एक ट्रस बनाते हैं ना सबसे पहले, ये अपना हिंज सपोर्ट हो गया, यहां पे भी एक सपोर्ट दे देते हैं जो कि ये हिंज सपोर्ट हो जाए, राइट। उसके बाद यहां पे एक पॉइंट लेके यहां से एक मेंबर कनेक्ट कर दीजिए, यहां से एक मेंबर कनेक्ट कर दीजिए, यहां से एक, ठीक है। अब आप खुद देखिए, अपन को यहां पे क्या बोल रहा है कि एक ट्रस दिया हुआ है, 2D ट्रस दिया हुआ है, पिन जॉइंटेड फ्रेम है, और क्या बोल रहा है, आप इसकी स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी बताइए, क्या बताइए, स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी। स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डीएस, और ये किसके बराबर होती है, डीएसई प्लस डीएसआई के बराबर होती है।
अपन को स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी निकालनी। तो सबसे पहले मैं डीएसई निकाल लेता हूं उसका। तो डीएसई निकालने के लिए क्या करूंगा, तो डीएसई निकालता हूं। तो डीएसई के लिए क्या बोला, डीएसई मतलब एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंसी, जो किस पे डिपेंड करती है, सपोर्ट कंडीशन। तो सबसे पहले सपोर्ट के नंबर ऑफ अननोन देख लेते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट। हिंज पे कितने अननोन होते हैं, दो अननोन होते हैं, बताया था मैंने, एक वर्टिकल एक्स डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स डायरेक्शन में, और एक वर्टिकल वाई डायरेक्शन। तो दो अननोन यहाँ पे हो गए, ये भी हिंज सपोर्ट है मतलब दो अननोन यहाँ पे भी होंगे, ये भी हिंज सपोर्ट है मतलब दो अननोन यहाँ पे भी होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ अननोन कितने हो गए आपके, 2 + 2 + 2 कितना हो गया, 6। माइनस, माइनस क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन। कौन से टाइप का स्ट्रक्चर है, कौन से टाइप का है, 2D में, 2D मतलब कितनी इक्विलिब्रियम की कंडीशन निकलेगी, 3। तो इसलिए 3 माइनस कर दीजिए। तो DSE कितना हो जाएगा, तो DSE इक्वल आपके पास जाएगा 3। 6 में से 3 आपने माइनस किया तो 3 है, ये DSE निकला। अब अपन को इसका DSI निकालना है। तो DSI के लिए अपन बात करते हैं, तो DSI का फॉर्मूला क्या बताया 2D के लिए मैंने, ये लिखा था, क्या था फॉर्मूला, एम माइनस 2J माइनस 3। अब इसमें M मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, ये काउंट कर लेते हैं। एक मेंबर ये हो गया, दूसरा मेंबर ये, तीसरा मेंबर ये, चौथा ये, पांचवा, छठवा और सातवा, कितने मेंबर्स हो गए इसमें, 7 मेंबर्स। इसका मतलब 7 माइनस ब्रैकेट 2 क्यों आया बता चुका हूं मैं पहले, जे मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ ज्वाइंट से। नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने हैं, तो ज्वाइंट देखिएगा, ये एक ज्वाइंट हुआ, ये दूसरा ज्वाइंट हुआ, ये तीसरा ज्वाइंट हुआ, ये चौथा हो गया, ये पांचवा ज्वाइंट हो गया। कितने ज्वाइंट हो रहे हैं, 5 ज्वाइंट हो रहे हैं, मतलब इसको जे की जगह लिख दीजिए 5, और फिर क्या कर दीजिए, माइनस 3। तो यहां से DSI आ जाएगा, तो 7 माइनस ब्रैकेट में 5 × 2 कितना हो गया, 10 माइनस 3। तो ये क्या होगा, 10 माइनस 3 क्या होगा, 7, 7 माइनस 7 क्या होगा, 0, मतलब DSI इसके लिए कितना आया, 0। मतलब ये इंटरनली की बात करें तो इंटरनली क्या आ रही है, इसकी इंडिटरमिनेंसी कितनी आ रही है, वो 0 आ रही है, 0 इंडिटरमिनेंसी आ गई। अब इसको फाइनल स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी अगर मुझे निकालना है, मतलब ये वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देता हूं तो मेरा डीएस निकल जाएगा। तो डीएस निकालने के लिए डीएसई कितना आया था आपका, 3, और डीएसआई कितना आया आपका, 0, तो प्लस 0, मतलब टोटल स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी इसकी कितनी आ गई, 3। इसका मतलब ये स्टैटिकली इंडिटरमिनेंसी की बात करें तो कितना आ गया इसका, 3 आ गया। इस तरीके से आप डीएसआई निकाल सकते हैं किसी भी पिन जॉइंटेड फ्रेम में, 2D होगा तो इस फॉर्मूले से, और वो 3D होगा तो इस फॉर्मूले से, और ये एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, राइट। अब इसी के बाद हम आगे बात करते हैं, इसका एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला भी हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। अल्टरनेटिव फॉर्मूले का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि डीएस का फॉर्मूला होता है DSE + DSI, तो इसके अलावा भी एक फॉर्मूला है, जब नंबर ऑफ बुक्स अगर आप खोलते हैं तो उसमें आपको ये फॉर्मूला मिल सकता है। जैसे मैं डीएसई अलग से निकाल रहा हूं और डीएसआई में क्या कर रहा हूं, अलग निकाल रहा हूं, लेकिन हम इसको एक बार में भी तो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, डीएसई का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, नंबर ऑफ अननोन माइनस इक्विलिब्रियम की कंडीशंस, मतलब नंबर ऑफ अननोन को आप क्या कर दीजिए, आर कर दीजिए, इक्विलिब्रियम कंडीशंस को आप क्या बोल दीजिए, ई बोल दीजिए, तो आर माइनस ई हो जाएगा, वो इसकी जगह पे रख दीजिए। और डीएसआई का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, एम माइनस 2J माइनस 3, वो फॉर्मूला आप इसकी जगह लिख दीजिए। और शॉर्ट में एक फॉर्मूला बनाएंगे तो डीएस का एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपका यहां बन सकता है, वो क्या बन जाएगा, एम प्लस आर माइनस 2J। ये फॉर्मूला भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं डीएस निकालने के लिए। अभी मैंने क्या बताया, अलग अलग बताया था, अब इसका एक सिंगल फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं डीएस निकालना, तो एम प्लस आर माइनस 2J, एम की जगह नंबर ऑफ मेंबर पुट कर दीजिएगा, आर मतलब नंबर ऑफ रिएक्शन लिख दीजिएगा, जैसे ये 6 आई थी तो 6 कर दीजिएगा, माइनस 2J मतलब ज्वाइंट हो जाएगा, तो नंबर ऑफ ज्वाइंट करके यहाँ पुट करिएगा, तो डीएस डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं वहां पर टाइम आपके पास कम रहता है, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, तो आप अलग अलग भी निकाल लीजिए और आप इसको एक साथ निकाल लीजिए। इसी तरीके से आपका जो DSI निकालने के लिए 3D ट्रस होगा, उसके फॉर्मूले में भी ये वाला मैंने अलग लिखा था, वो अलग था, तो इसका भी आप एक जॉइंट फाइनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और वो फाइनल फॉर्मूला क्या होगा, तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं कि DS का इसके लिए भी डायरेक्ट एक फॉर्मूला हो सकता है, DS R माइनस मतलब R प्लस M माइनस 3J, आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, राइट। ये आपका हो जाएगा किसके लिए, 3D फ्रेम्स के लिए, ठीक। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो अब जो हम बात करेंगे वो रिजिड फ्रेम्स की बात करेंगे, जिसमें हमें डिस्कशन करना है रिजिड फ्रेम के लिए। रिजिड फ्रेम का मतलब क्या होगा कि अगर मैंने अभी आपसे जो बात बताई वो पूरी की पूरी ट्रस के ऊपर बता दी, मैंने आपसे क्या बोला कि आपको DSI निकालना है, तो DSI के लिए आपको ट्रस का नॉलेज होना चाहिए,
प्लस आपको ट्रेस के बाद में उसके 2D के बारे में पता होना चाहिए, 3D पता होना चाहिए, क्योंकि 2D का अलग निकलेगा, 3D का अलग निकलेगा, वो मैंने आपको पीछे बता दिया। लेकिन अब उसके बाद मैंने बताया कि अगर मैं फ्रेम्स की बात करता हूँ, और फ्रेम में भी कितना है, अगर 2D फ्रेम है मेरा या 3D फ्रेम है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, वेरिएशन हो जाएगा। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि जब मैं इसकी बात करूंगा तो इसके लिए भी मुझे जो है आपको रिजिड फ्रेम के लिए हम अलग से बात करेंगे। अब जो हम लोग बात करेंगे रिजिड फ्रेम के लिए, रिजिड फ्रेम क्या, तो मैंने आपको बताया कि DSI की हमारी जो बात हुई, DSI मतलब इंटरनल इंडिटरमिनेंसी की हम बात कर रहे थे, वो डिपेंड करती है ज्योमेट्री के ऊपर। और ज्योमेट्री का मतलब होता है कि जो फ्रेम है, वो जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं, वो अलग अलग टाइप के हैं, तो वो DSI निकालने का तरीका भी चेंज हो जाता है। तो अगर ट्रस है तो ट्रस में 2D है या वो 3D है, तो 2D होगा तो कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको बताया, अगर ट्रस में 3D है तो कैसे निकालेंगे वो बताया। और जो ट्रस होता है उसको पिन ज्वाइंटेड मेंबर्स बोलते हैं, तो पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर की हमने बात कर ली। अब मैं आपको बता रहा हूँ रिजिड स्ट्रक्चर की बात, मैं बात कर रहा हूँ रिजिड फ्रेम भी जिसको आप बोल सकते हैं, जिसमें हम 2D की पहले बात करेंगे और फिर हम 3D की बात करेंगे। और रिजिड स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, रिजिड स्ट्रक्चर का एक सिंपल सा बेसिक होता है कि बेसिकली कोई भी मेंबर की अगर हमें बात करें, जैसे कोई फ्रेम है या बीम है, उसको हम रिजिड मेंबर कंसीडर करते हैं। और रिजिड मेंबर कंसीडर करने का एक सिंपल सा बेसिक सा फंडा है कि मान लीजिए कि अगर कोई एक ये फ्रेम है आपका, ये एक फ्रेम है, इस फ्रेम में यहाँ पे कोई सा भी सपोर्ट दिया हुआ, यहाँ पे भी कोई सा सपोर्ट दिया हुआ, जब मैं इसके ऊपर एक कपल लगाऊंगा और कपल की वजह से ये डिफ्लेक्ट होगा, जैसे यहाँ पे ये डिफ्लेक्ट हुआ कुछ इस तरीके से, यहां से ये डिफ्लेक्ट हुआ कुछ इस तरीके से, तो यहां पे जो रोटेशन है इसके ऊपर आएगा θ1 बोल दीजिए इसको, और यहां जो रोटेशन आएगा जिसको आप θ2 बोल दीजिए। तो रिजिड फ्रेम अगर है तो θ1 इक्वल θ2 के होता है। तो रिजिड फ्रेम की बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये याद रखिएगा कि अगर पर्टिकुलर कोई एक फ्रेम है मेरे पास और उसके ज्वाइंट पे अगर मैं कोई कपल लगाता हूं, तो उसके जो रोटेशन होते हैं θ1 θ2 हमेशा बराबर होते हैं, वो रिजिड फ्रेम कहलाता है। तो यहां पर रिजिड फ्रेम में हम लोग फ्रेम की बात करते हैं, पोर्टल फ्रेम्स की बात करते हैं और बीम की बात करते हैं। तो अब सबसे पहले मैं 2D के लिए बात कर रहा हूं, तो 2D में जो यहां पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे वो फॉर्मूला क्या होगा, तो सिंपल अगर मैं बात करता हूं इंटरनल इंडिटरमिनेंसी की, तो DSI इक्वल 3C होता है। DSI मुझे अगर निकालना है तो इक्वल क्या होगा 3C, यहां पे 3 और C, C बेसिकली क्या है, क्लोज लूप्स है। क्लोज लूप्स का मतलब जैसे अभी ये फ्रेम है, ये ओपन फ्रेम कहलाता है, ये जो मैंने आपको ड्रॉ करके बताया। लेकिन अगर इसके बीच में से मैं यहां से लाइन बना देता हूं तो क्या होगा, ये एक क्लोज लूप हो गया, तो इसमें एक सिंगल क्लोज लूप हो गया। लेकिन अगर मैं एक और लाइन बना देता हूं तो आप कितने, दो क्लोज लूप हो गए, एक ये हो गया और एक नीचे हो गया, तो वो सी यहां पे क्लोज लूप को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर सिंपल टाइप का फ्रेम है, कोई रिजिड फ्रेम है, तो हमको अगर उसकी DSI निकालनी है तो सिंपल हम 3C से निकाल सकते हैं, और 3 मतलब जो नंबर ऑफ मेंबर्स के ऊपर जो इंटरनल फोर्सेस आते हैं। तो बेसिकली जो रिजिड फ्रेम होते हैं उस पर 3 अननोन चलते हैं, एक आपका क्या होता है एक्सियल फोर्स, उसके बाद हो जाता है आपका शियर फोर्स, उसके बाद आपका हो जाता है बेंडिंग मोमेंट, तो वहां पे हम 3 लेके चलते हैं। अब लेकिन इसी में अगर मैं कोई इंटरनल हिंज डाल देता हूं, इंटरनल हिंज मतलब जैसे ये फ्रेम मैंने लिया और यहां पे एक मैंने इंटरनल हिंज कनेक्ट कर दिया, तो इस इंटरनल हिंज के लिए इसी फॉर्मूले में आपको क्या लेना पड़ेगा, तो फिर आपका जो DSI का फॉर्मूला बनेगा वो DSI का फॉर्मूला बनेगा, DSI अगर इंटरनल हिंज की भी बात चल रही है तो वो फॉर्मूला बनेगा 3C - RR। ये जो RR मैंने यहां पे लिया है वो इंटरनल हिंज के लिए लिया। और फिर RR निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, तो वो RR का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ M-1 2D रिजिड फ्रेम के लिए। RR को कैलकुलेट करने के लिए मैंने बोला 3 आपका कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद C, C मतलब नंबर ऑफ क्लोज लूप, अगर ओपन फ्रेम है तो C की वैल्यू 0 हो जाएगी, बट क्लोज लूप कितने हैं उसमें, तो क्लोज लूप आप काउंट कर लीजिएगा, अगर 1 है तो यहां पे C की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर 2 है तो 2 हो जाएगी, 3 होगी तो 3 हो जाएगी, और 1 भी क्लोज लूप नहीं होगा तो ये 0 हो जाएगा। और फिर अगर उसमें इंटरनल हिंज भी अगर दिया हुआ है तो -RR भी करना पड़ेगा, तो RR आपको क्या होगा, फॉर इंटरनल हिंज के लिए आपका RR यूज करना है। अब हिंज में RR को कैसे निकालेंगे, तो समेशन M-1 से आप इसको निकाल सकते हैं। अब क्यों 1 क्यों कर रहे हैं, M-1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनल जो हिंज होता है वहां पे मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 होता है, तो वहां पे आपने एक्सटर्नली एक जो आपकी रिएक्शन है वहां से रिमूव हो, क्योंकि मूवमेंट वहां पे क्या हो गया, रिलीज हो गया, मूवमेंट हो गया वहां पे 0, तो इसलिए आपने यहां पे 1 लिया है, तो 1M-1, और M यहां पे क्या है, नंबर ऑफ मेंबर कनेक्टेड टू द हिंज, मतलब अगर हम हिंज की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने यहां पे हिंज दिया तो इस हिंज से कितने मेंबर कनेक्टेड है, एक इस तरफ का मेंबर कनेक्ट हुआ, एक इस तरफ का मेंबर कनेक्ट हुआ, तो कितने मेंबर, 2 मेंबर, तो M की जगह क्या रख दूंगा, 2 और -1, तो इससे RR निकल आएगा और 3C मैंने आपको समझा ही दिया। तो ये 2D के लिए आप लोग इस तरीके से DSI निकाल सकते हैं इन द केस ऑफ रिजिड फ्रेम। अब इसी तरीके से अगर मैं 3D में जाता हूं, 3D और मैं किसकी बात कर रहा हूं, रिजिड फ्रेम की बात कर रहा हूं, रिजिड फ्रेम 3D के लिए,
तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए डीएसआई की कंडीशन होती है, डीएसआई इक्वल कितना होना चाहिए, 6c माइनस आर आर। सिंपल सा है भाई, अगर यहां पे 3 होता है, 3 क्यों होता है, क्योंकि मैं बात कर रहा था 2d रिजिड फ्रेम, तो वहां पे इंटरनल जो मेंबर होते हैं उस पे कितने फोर्सेस थे, 3 फोर्सेस थे, एक आपका एक्सियल फोर्स हो गया, एक आपका शियर फोर्स हो गया, एक आपका बेंडिंग मोमेंट हो गया। लेकिन अब मैं जो बात कर रहा हूं, अब वो 3d स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, तो वहां पे कितने हो जाते हैं, वहां पे 6 हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे एक rx होगा x डायरेक्शन में रिएक्शन, एक y होगा ry और एक होगा rz z डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट वो रिएक्शन, और फिर 3 मूवमेंट, एक आपका mx होगा, एक my होगा और एक mz होगा, तो 3 मूवमेंट और 3 रिएक्शन, मतलब कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पे 6c मतलब यहाँ पे क्लोज लूप ही रहेगा, माइनस आर मतलब वही नंबर ऑफ हिंस के लिए आपको आर निकालना है, बस यहाँ पे आर का फॉर्मूला चेंज हो जाता है, तो आर का फॉर्मूला यहाँ पे होता है समेशन ऑफ 3 और ब्रैकेट के बाद m माइनस 1, यहाँ पे 3 आ गया, जबकि यहाँ पे समेशन आर निकालने के लिए समेशन m माइनस 1 था, यहाँ पे m क्यों था, क्योंकि वहां से हिंज पे मूवमेंट की वैल्यू क्या हुई थी, बेंडिंग मूवमेंट कितना हो गया था, 0 हो गया था, बेंडिंग मूवमेंट कितना हो गया था, 0 हो गया था। लेकिन जब मैं यहां की बात करूंगा तो यहां पे 3 डायरेक्शन में मूवमेंट 0 होगा हिंज में, एक mx भी 0 हो जाएगा, my भी 0 हो जाएगा और mz भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 3d स्ट्रक्चर है, वहां पे सिर्फ 2d पे क्या होता है, सिर्फ एक ही मूवमेंट आता है mz, तो वो mz 0 हो रहा था वहां पे, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे mx 0 भी हो रहा है, my भी 0 हो रहा है, mz भी 0 हो रहा है, मतलब 3 मूवमेंट 0 है, इसलिए यहां पे मैंने ये 3 कनेक्ट किया, और m मतलब वही हिंज से कितने नंबर ऑफ मेंबर कनेक्टेड है, माइनस 1, ये फॉर्मूला लगाओगे आपका क्या निकल आएगा, डीएसआई निकल आएगा 3d रिजिड फ्रेम के। तो ये सिंपल से फॉर्मूले थे। अब हम आगे बात करते हैं, जैसे एक मैं क्लोज स्ट्रक्चर ले लेता हूं और उस पर आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि किस तरीके से आप यहाँ पे स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी निकाल सकते हैं रिजिड फ्रेम के ऊपर। तो अपन एक रिजिड फ्रेम की बात करते हैं, जिसके लिए अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे। तो एग्जांपल में ये एक मेंबर है, यहाँ पे इसको फिक्स्ड सपोर्ट बना देते हैं, ये सपोर्ट भी अपन फिक्स ले लेते हैं, यहाँ से एक मेंबर और कनेक्ट करते हैं, ये सपोर्ट भी अपन फिक्स ले लेते हैं, राइट। फिर यहाँ पे अपन ये एक मेंबर लेते हैं, यहाँ से फिर एक और मेंबर लेते हैं, इसको भी फिक्स्ड कर देते हैं, यहाँ पे एक इंटरनल हिंज भी डाल देते हैं अपन, राइट, ये हिंज भी अपना आ गया। अब क्या करिए, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये एक मेरे को आपको रिजिड फ्रेम दिया है, ये ट्रस नहीं है, ये क्या है, रिजिड फ्रेम है। कौन सा फ्रेम है रिजिड फ्रेम में, 2D रिजिड फ्रेम, ये 3D नहीं, राइट। तो 2D रिजिड फ्रेम दिया और मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आप मुझे इसका डीएस बताइए, डीएस मतलब स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी बताइए। तो डीएस का फॉर्मूला क्या होता है, डीएस का फॉर्मूला होता है डीएसई प्लस डीएसआई, राइट। अब मेरे को अगर डीएसई निकालना है तो मैंने बोला डीएसई कैसे निकाल सकता हूं, तो डीएसई तो सिंपल होता है ना, बोला सपोर्ट पे डिपेंड करता है, तो सपोर्ट कौन सी है, यहाँ पे फिक्स्ड सपोर्ट है, फिक्स्ड पे कितने अननोन होते हैं, 3, ये भी कितना है फिक्स्ड, मतलब कितने अननोन, 3, ये भी कौन सा सपोर्ट है फिक्स्ड, यहाँ पे भी कितने अननोन है, 3, ये भी कौन सा है फिक्स्ड, मतलब यहाँ पे भी कितने है, 3, फिक्स सपोर्ट पे 3 अननोन होते हैं, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, एक मूवमेंट, तो 3 + 3 + 3 + 3 कितना हो गया, 12 हो गया, इसका मतलब यहाँ पे करेंगे 12 नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन माइनस इक्विलिब्रियम की कंडीशन, और 2D में इक्विलिब्रियम की कंडीशन कितनी बताई थी, 3 होती है, तो ये कितना बचा, तो 12 में से 3 माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा, 9, मतलब DSE जो है वो आपका कितना आ गया, वो आ गया आपका 9। अब इसमें मेरे को DSI और निकालना है, DSI कैसे निकाल सकता हूं, तो DSI इक्वल, DSI के लिए क्या बताया, रिजिड फ्रेम के लिए अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, 2D फ्रेम के लिए मैंने क्या बताया, तो यहां पे ये 2D फ्रेम की हम बात कर रहे थे, जिसमें मैंने बोला था कि अगर क्लोज लूप की बात होगी सिर्फ तो 3C लगा दीजिएगा, लेकिन अगर बोलूंगा मैं कि हिंज भी है तो फॉर्मूला ये वाला लगाइएगा, जिसमें तो हिंज है ना, इसका मतलब ये फॉर्मूला लगेगा, तो DSI का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3C - RR, 3C - RR 2D वाला, अगर 3D फ्रेम होता तो ये लगाता, अब 3C तो 3 का 3 हो जाएगा, C मतलब क्या बताया था, क्लोज लूप, अब एक बार बताइए, ये तो ओपन हिस्सा है ना, ओपन पार्ट है, तो यहां तो क्लोज लूप नहीं है, यहां पे क्लोज लूप है, यहां पे भी नहीं है, यहां है, यहां पे भी नहीं, लेकिन ये है ना, यहां पे एक बॉक्स बन रहा है, मतलब एक क्लोज लूप है, ये एक क्लोज लूप हो गया, तो सी की वैल्यू कितनी होगी, 1, तो यहां पे सी की जगह 1 पुट कर दीजिए। उसके बाद मैंने बताया माइनस आर आर का 2D के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, समेशन m - 1, राइट, तो m माइनस 1 की जगह क्या कर दीजिए, तो यहां पे हम पुट करते हैं वैल्यू DSI में 3C, तो 3C कितना हो गया, 3 × 1 = 3 माइनस RR की वैल्यू m - 1, m की वैल्यू कितनी है, m क्या बताया था, हिंज से कनेक्टेड मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स, तो यहां पे ये हिंज है, इससे मेंबर कितने कनेक्टेड है, तो यहां पे ये मेंबर कितने कनेक्टेड है, एक यहां जा रहा है, दूसरा यहां जा रहा है,
इसके अलावा कहीं ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, नहीं सिर्फ एक राइट में गया और एक लेफ्ट में गया, कितने मेंबर हुए, टू मेंबर, तो इसकी जगह पर टू पुट करिए, माइनस क्या कर दीजिए, माइनस वन कर दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आएगा, तो आप जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये थ्री माइनस टू में से वन गया तो कितना हो जाएगा वन, और वन इस थ्री में से गया तो कितना बचेगा टू, तो टू क्या निकल आया आपका, ये निकल आया आपका डी एस आई। तो अब मेरे को डीएस निकालना है, तो डीएस कैसे निकालूंगा, तो डीएस का फॉर्मूला इसमें यहां पे लिखा हुआ मैंने डीएसई, तो डीएसई कितना निकला था नाइन प्लस डीएसआई, डीएसआई मेरा कितना निकला है टू, तो टोटल कितना आ गया इलेवन। इस तरीके से आप इसका डीएस भी निकाल सकते हैं, और ये क्या हुआ, ये रिजिड फ्रेम की आपकी बात हुई, राइट, आपने किसकी बात की, रिजिड फ्रेम की बात की। अब इसी तरीके से अगर इसी रिजिड फ्रेम में हम लोग एक बीम का एक एग्जांपल ले लें, और वो बीम क्या है, तो मैंने बोला कि बीम कुछ इस तरीके से आप ले लीजिए, एक ये आप बताइए हिंज सपोर्ट, राइट, फिर आप ये ले लीजिए एक और हिंज सपोर्ट, उसके बाद ले लीजिए यहां पे एक रोलर सपोर्ट ले लीजिए, ठीक, इसी तरीके से यहां पे भी आप कोई हिंज या रोलर सपोर्ट ले लीजिए, ये सारे आप एक काम करिए रोलर ही ले लीजिए, ये भी रोलर ले लीजिए, राइट। अब इसमें क्या करिए, यहां पे एक हिंज लगा दीजिए, यहां पे एक हिंज लगा दीजिए, दो में इंच लगा दीजिए, और अब इसमें अगर मेरे को बोलूं कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे को क्या बताइए, तो यहां पे मुझे बताइए आप डीएस निकालिए, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिपेंडेंसी बताइए, तो कैसे निकालेंगे, तो ये एक एग्जांपल आपके सामने है, आपको निकालना कैसे है, तो मैंने बोला डीएस निकालना है, डीएस का फॉर्मूला क्या होता है अभी बताया, डीएसई प्लस डीएसआई। डीएसई कैसे निकालेंगे, तो डीएसई के लिए नंबर ऑफ अननोन्स काउंट कर लीजिए कितनी है, अगर सारे रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट पे कितने अननोन होते हैं, कितने अननोन होते हैं रोलर सपोर्ट पे, एक अननोन, या सिंपली सपोर्ट होता है उस पर भी कितने अननोन होते हैं, एक अननोन होता है, मतलब वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे आपके फोर, तो डीएससी के लिए फोर माइनस इक्विलिब्रियम की कंडीशन, इक्विलिब्रियम की कंडीशन ले लीजिएगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन ले लेंगे, यहाँ पे लोडिंग कुछ नहीं है तो सीधी तीन लीजिएगा इक्विलिब्रियम की कंडीशन, तो थ्री माइनस कर दीजिएगा, तो डीएससी वन आ जाएगा आपका। और इसी तरीके से डीएसआई निकालना है, तो डीएसआई के लिए क्या करेंगे, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, रिजिड फ्रेम में आता है, जैसे ये फ्रेम था ना, ये रिजिड था, बीम भी रिजिड हो सकता है, तो यहाँ पे फ्रेम की जगह आप बीम भी ले सकते हैं, और कौन सा है, 2D या 3D, 2D है, तो क्या फॉर्मूला लाएंगे, 3C माइनस RR, क्लोज लूप है यहाँ पे कुछ नहीं है, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, फिर RR निकालना है, तो M माइनस वन, M की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे, M मतलब नंबर ऑफ मेंबर ऑफ हिंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे टू टाइम्स ले लेंगे, तो एक यहाँ पे मेंबर है, एक ये वाला हिंज है और एक ये वाला हिंज है, तो दो बार में ले लीजिएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, वो निकालिएगा, तो DSI की वैल्यू आपकी 2 आएगी, और जिससे DS निकाल लीजिएगा, तो 1 माइनस 2 मतलब बेसिकली क्या आएगा, यहाँ पे माइनस 1 आएगा, जो DS आएगा वो माइनस 1 आएगा इस पर्टिकुलर केस के। तो आप कुछ इस तरीके से ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं, और इस तरीके से आप DS निकाल सकते हैं किसी भी रिजिड फ्रेम का 2D होगा तो, और अगर वही 3D फ्रेम आ जाएगा तो 3D में सिर्फ आपको फॉर्मूला चेंज करना है, वो फॉर्मूला क्या लगाना है, वो फॉर्मूला ये वाला लगाना है, 6C माइनस RR, और RR के लिए कंडीशन क्या लगानी है, समेशन ऑफ 3 ब्रैकेट में m माइनस 1 की कंडीशन आप किसमें लगा दीजिएगा, RR में लगा दीजिएगा, राइट। तो इस तरीके से आप लोग डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी रिजिड फ्रेम के ऊपर और किसी भी ट्रस के ऊपर, जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। थैंक यू।